फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल। आज की जो वीडियो श्रृंखला में हम जानेंगे डाउजिंग सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उसको हम मंगोलियन चाइल्ड भी बोलते हैं। 1986 में इंग्लैंड के डॉक्टर जॉन हैपिन्स ने ये डाउन्स सिंड्रोम वाले पेशेंट को उसको एनालिसिस किया और कैसे बच्चे होते हैं उनको ये साइन एंड सिम्टम से वर्गीकृत किया है। तो हमने आगे जो श्रृंखला में देखा कि ऑटिज्म चाइल्ड है, ASD चाइल्ड है, CP चाइल्ड है और डिस्लेक्सिया चाइल्ड है और डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, उनका जो सिम्टम होता है लगभग 70-80 तक मिलता है, जुलता है और उसके ट्रीटमेंट भी लगभग सेम मिलता है। पर कई बार डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं उसको ये ऑटोइम्यून डिजीज से होता है, तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज के लिए उसका जो इम्यूनिटी होता है लो होता है, तो उसको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होता है। आज हम बताएंगे डाउन सिंड्रोम के जो हिल के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, ये बच्चों का बार बार उसको मांग की आ जाती है, सर्दी खांसी ज़्यादा रहता है, नाक में से पानी बहता है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चे होते हैं, उनको डायबिटीज भी हो जाता है, कई बार उसका फेस देखा होगा तो मून शेपेड होता है, तो उसको मंगोलियन जो से चाइल्ड होता है सो मंगोलियन चाइल्ड भी बोला जाता है। तो ये मून शेपेड होने से उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी डायग्नोसिस किया जाता है और उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होता है, रिकेट्स भी होता है। ऐसे बच्चों को एक जोर से एपिलेप्सी फिट भी आता है, मुंह में से पानी आता है और एक खाता है ज़्यादा, उसको मालूम नहीं पड़ता है, सारा दिन हंस हंस करता है, एक जगह बैठता नहीं है, उसको कोई मालूम नहीं पड़ता है क्या है, दिन है, पापा है, क्या है, मम्मी है, रात है, जो भी आदमी के सामने देखता है तो हंसता है, टीवी देखता है पर टीवी में क्या आता है उसको मालूम नहीं है, ई कैन नॉट एक्सप्लेन टू प्रॉपरली। पर इसमें भी डाउजिंग सिंड्रोम में भी फर्स्ट ग्रेड चाइल्ड होता है, ये नॉर्मल करने का होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है। तो अब डाउजिंग सिंड्रोम की हम दवा बताएंगे। तो सबसे पहले जो डाउजिंग सिंड्रोम की दवा है नेट्रम्फॉस। जो नेट्रम्फॉस है ये दोनों में काम करती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी काम करता है एंड डायबिटीज़ में भी काम करता है। जो उसको छोटी उम्र में ये दो कॉम्प्लिकेशन आ गया होता है तो दोनों मेडिसिन लेने से धीरे धीरे उसको जो थायराइड फंक्शन और हाइपोग्लाइसेमिक जो कंडीशन है वो बैलेंस करे से 50% डिजीज तो कंट्रोल आ जाता है। तो ऐसे बच्चों को आप नेट्रम्फॉस 6X नाम की जो दवा है ये लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं। इसके साथ थायरोडिनम 1 mg दवा हफ्ते में एक बार 6 months तक फॉलो करने से ये उसका जो थायरॉयड ग्रंथि का है, इम्यून सिस्टम का जो भी 50% जो पार्ट है वो रिकवर कर जाता है। तो एक तो वो कर सकते हैं, तो ये बच्चा को ये नहीं हो सकता है। तीसरा, उसको जो एपिलेप्सी फिट आता है तो बुफोराना एंड इग्नेशिया नाम की जो दवा है ये 30 पोटेंसी में अल्टरनेट डे लेने से उसको जो एपिलेप्टिक फिट आता है वो फिट कन्वर्जन्स जो आता है वो कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा। उसका जब कन्वर्जन आता है तो वो सो जाता है और बाण जैसा एपिसोटोनिक पोजिशन में हो जाता है। तो इसके लिए लाइकोपोडियम दवा भी, लाइकोपोडियम एंड लीडम पाल दवा दोनों अल्टरनेटिंग 30-30 पोटेंसी में अल्टरनेट डेट देने से ये जो उसको एपिलेप्टिक फिट आता है, बच्चों को मुंह में से पानी आता है और ड्रिबलिंग सलाइवा होता है तो ठीक हो जाता है। ऐसे बच्चों को कई बार ऐसे ड्रिबलिंग सलाइवा बहुत ही मात्रा में आता है तो मर्कसॉल नाम की जो दवा है इसको दिए से उसको जो लार की ग्रंथि कम हो जाती है तो लार में भी जो शक्ति होता है, शक्ति संचार होता है, तो बच्चा कॉन्फिडेंट बिल्टअप कहता है और हेल्दी रहता है। ये बच्चा कई बार सो नहीं पाता है तो कालीफॉस इसके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा ही कालीफॉस बायोकेमिक की एक रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है और ए ब्लेजिंग टू द सुसलर है फॉर ह्यूमन काइंड। कालीफॉस से हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम कंट्रोल को नॉर्मलाइज करता है, इसे नॉर्मलाइज होने से हमारा जो भी अंग है सब प्रॉपर कंडक्शन इम्पल्स करता है तो हम हेल्दी रहता है। तो उसको एक ब्रेन नर्वाइन टॉनिक है, कालीफॉस भी दे सकते हैं। अभी हमने बताया कि ये सब कुछ दवा देने के साथ आप होम्योपैथिक बायोकेमिक में 6X 5 फॉस है। 5 फॉस कैसे तरह काम करता है, इसमें 5 फॉस 5 तरह के फॉस है, इसमें कैल्केरिया फॉस है तो उसका जो बोन्स का डिफॉर्मिटी होता है कैल्केरिया फॉस रिपेयर करता है। जो GIT डिस्टर्बेंस आता है तो उसको नेट्रम्फॉस उसको डिस्टर्बेंस क्लियर करता है। आगे बताया कि जैसे नर्वाइन डिफेक्शन होता है तो कालीफॉस उसको फॉर्मेशन डिफेक्ट करता है। ऐसी तरह नेट्रम्फॉस में बताया कि जो उसको डायबिटीज होता है तो ये भी उसको कॉस को फील करता है। ऐसे फेरम्फॉस होता है
तो उसको मसल्स बिल्डअप करता है, और उसको वायरल इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो दूर करता है, आयरन की मात्रा बढ़ाता है, तो इसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कैलकेरा फॉस होता है, ये बोन्स का जो बंधारण होता है ये अच्छी तरह ठीक करता है। तो कोई भी आपको होम्योपैथिक में नॉलेज ना हो तो बायोकेमिक 6x पोटेंसी में दो दो गोली सुबह दोपहर शाम को 6 मंथ तक ऐसे मंगोलियन चाइल्ड और डाउजिंग सिंड्रोम वाले बच्चों को देने से कुछ तो इफेक्ट आएगा, और आपको लगेगा कि नहीं होम्योपैथिक में कुछ कॉन्फिडेंट मेडिसिन है, तो आपको अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, इसके अंदर ट्रीटमेंट कराइए। आपका बच्चा को फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जो डाउजिंग सिंड्रोम होता है तो बच्चा नॉर्मल अंसी पार्क कर सकता है और स्टडी में भी इंटरेस्ट कर सकता है। ऐसे नॉर्मल चाइल्ड जितना स्टडी नहीं कर सकता है, पर उनको कैलकुलेशंस में उनको अवेयरनेस आएगा कि दिस इज 1 2 3 1 2 3 ऐसा, और ABCD भी बता सकता है। ये बच्चा कई बार 15 साल का होता है पर उसका जो ब्रेन होता है वो 4 से 5 साल का बच्चा है, इसलिए उसके साथ ऐसे बिहेवियर कीजिए कि जैसे ये बच्चे नॉर्मल प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।